हेलो यारा फैमिली, कैसे हो गाइस? स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सोनल कौशल जो कि ऑफिशियल डोरेमोन की वॉइस थी और उसके बाद समृद्धि शुक्ला जी ने सीजन 17 के बाद डोरेमोन की वॉइस का वो करा था, लेकिन गाइस इस मूवी जो स्टैंड बाय मी 2 आ रही है इसमें एक फैन ने कुछ इससे रिलेटेड एक रिप्लाई किया था, यानी कि उसने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाया था और सोनल कौशल मैम का भी एक रिप्लाई आया था। बस वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एनिमेशन एरर के साथ हमारी एक प्रैंक कॉल हुई थी जो कि मुझे सच में नहीं पता था कैसे उसने मेरे साथ ऐसा बोला, बस उसको भी जाके जरूर सुनना। और हमारे चैनल पे भी आ चुकी है प्रैंक कॉल एनिमेशन एरर के साथ जो हमने की थी, बस वो भी बताना आपको कैसी लगी, जरूर जाके सुनना। तो चलो गाइस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये कल या परसों की बात है, गाइस डोरेमोन के आपके और मेरे जैसे एक बहुत बड़ा फैन था, उसने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में, गाइस यानी कि इंस्टाग्राम की स्टोरी, जैसे कि आपको पता होगा कि आप इंस्टाग्राम में स्टोरी एक लगाते हो जो कि सिर्फ 24 आवर्स के लिए विजिबल रहती है, तो ऐसे ही डोरेमोन के फैन ने यानी कि स्टैंड बाय मी 2 का भी वो फैन है और वो भी यही चाहता होगा कि वो हिंदी में आए, तो उसने क्या किया गाइस, उसने स्टैंड बाय मी 2 का वॉलपेपर अपनी स्टोरी पे लगाया और उसने नीचे लिखा होप इट विल कम एंड डब बाय सोनल कौशल मैम। गाइस उन्होंने वहां पे सोनल कौशल मैम को टैग किया और बोला कि ये हिंदी में आ जाए। गाइस आप यहां साफ साफ समझ सकते हो वो भी फैन यही चाहता है कि ये मूवी जल्दी से जल्दी हिंदी में आए और इसे डब करे सोनल कौशल मैम। तो गाइस उसी फैन के रिस्पॉन्स में सोनल कौशल मैम ने भी अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में वही सेम स्टोरी को रिपोस्ट किया और उसके नीचे डोरेमोन का एक हंसता हुआ PNG यानी कि GIF नाम की मतलब चीज होती है गाइस, वो उसने मैम उन मैम ने नीचे लगाया। तो गाइस आप बताओ कि इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या सच में सोनल कौशल मैम उसे डब करने वाली और बात पहली हो चुकी है कि डिज्नी में आएगी? तो आपको कैसा लगता है? मुझे जहां तक लगता है अगर मैम ने रिप्लाई किया तो मैम ने कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि काफी ज्यादा स्पेकुलेशन आ जाती है कि ये मूवी आ रही है और ट्विटर पे हम जो करने वाले हैं गाइस 1 नवंबर उसके बाद तो और ज्यादा चांसेस हैं ये होने के, अगर उन्होंने पहले से ही बात बना रखी होगी और अगर उसमें कोई दिक्कत भी हो तो हमारे ट्विटर के काम के बाद तो कोई दिक्कत रहने ही नहीं वाली है। गाइस मुझे तो लगता है ऑफ कोर्स मूवी आएगी और सोनल कौशल मैम ही इसे डब करेंगी। बस आप बताओ कि आपको कितना लगता है ये मूवी 100% चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है इंडिया में आने के लिए? उससे पहले मैंने आपको बताया है कि विकिपीडिया पे उसका क्या 28 नवंबर का सीन है काची कोची के बारे में, वो भी जरूर देख लेना वीडियो को। बस आप एक और बार बता रहा हूँ तो मैं जरूर बताना कि कैसी लगी थी, आपको कितना लगता है कि डोरेमोन की मूवी आ जाएगी हिंदी में, तो गाइस आप बता देना। और हाँ गाइस हमारा प्रैंक कॉल भी जरूर देखना एनिमेशन एरर के चैनल पे भी और मेरे चैनल पे भी जरूर देखना प्रैंक कॉल। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।